दिल्ली एमसीडी के चुनाव के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा के उपचुनाव चल रहे हैं और मुझे दोनों जगह समय देना पड़ रहा है। तो यहाँ पर आजाद समाज पार्टी के सम्मानित पदाधिकारी और भीम आर्मी के सम्मानित पदाधिकारी और हमारे गठबंधन दल के जो साथी हैं वो मिलके जो है वो आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में मेहनत कर रहे हैं। पार्टी ने आज मेरी ड्यूटी लगाई कि मैं जाके आप लोगों के बीच प्रचार करूं। यहाँ वार्ड नंबर 191 से हमारी बहन नीलम गौतम जी जिनका चुनाव चिन्ह है टॉर्च और वार्ड 192 से जो हमारे प्रत्याशी भाई जीतू चौहान जी जिनका चुनाव चिन्ह है केतली। मैं इन दोनों के पक्ष में आपसे अपील करने के लिए आया कि भाई जब 4 तारीख को आप वोट डालने के लिए जाएंगे तो अपना कीमती वोट आजाद समाज पार्टी और उनके गठबंधन के प्रत्याशियों को देने का काम करें, क्योंकि जब से एमसीडी का कार्यकाल चल रहा है अगर आप समस्याओं पे बात करोगे तो समस्या तो इतनी है कि अगर गिनवानी स्टार्ट की जाए तो अगला दिन चाहे ठेकेदारी का मामला हो, चाहे सीवर का मामला हो, चाहे नालियों का मामला हो, चाहे सड़कों का मामला हो, चाहे जो लोग ठेकेदारी पर काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाह का मामला हो, जिनकी खत्म होगी नौकरी, उनकी पेंशन का मामला हो, चाहे हाउस टैक्स का मामला हो, इतनी समस्याएं जो है वो यहाँ है। और हमारे लोग वोट देते हैं, वोट देने के बाद जिनको वोट देते हैं वो कभी उनकी गलियों में देखने में नहीं आते उनके हाल क्या। मैं सुबह से अब तक कई गलियों घूम के आया, सीवर जाम है, उन सीवर की अगर सफाई करनी होगी तो भी हमारे लोग ही उतरेंगे और कितने लोग उतरने के बाद मर जाते हैं आप ये बेहतर जानते हैं। यहाँ की दोनों सरकारें, यहाँ की स्टेट की और केंद्र की जो सरकार है जो चला रही है, उन्होंने दोनों ने बाबा साहब की फोटो दिखा के हमारे लोगों को छलने का काम किया। लेकिन जब भी अन्याय जुल जाते अत्याचार या हमारे अधिकारों की बात आती तो वो लोग चुप हो जाते हैं। हमें हमारे महापुरुष से सिखा के गए जब भारतीय संविधान लागू हुआ कि आज के बाद रानी का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जिसको प्रजातंत्र में जनता चुन के भेजेगी। आज आप हालात देखिए, यहाँ जो ईमानदार बनने का ढोंग करते थे उनके वो 1-1 करोड़ में टिकट बेच रहे हैं। अब आप ये सोचो जो 1-1 करोड़ में टिकट बेच रहे हैं क्या उनका लक्ष्य जनता की सेवा करना हो सकता है क्या? वो तो दुकानदारी चला रहे हैं, टिकट बेचेंगे फिर चुनाव में पैसा लगाएंगे फिर जनता की मेहनत करके पैसे को लूट के पार्किंग के जो ठेली वाले खड़े हैं उनसे जबरदस्ती उगाई करके अपने घर भरेंगे। ये लोकतंत्र है, भले ही हमारे गठबंधन के जो प्रत्याशी है गरीब है लेकिन ईमानदार है और काम करने वाले। आप जानते हैं जीतू जी और भीम आर्मी की टीम यहाँ लगातार मेहनत कर रही है, उनकी मेहनत की वजह से आज इतने सारे लोग इकट्ठा हो पाए, उन्होंने विश्वास पैदा किया, उन्होंने दिल जीता, उन्होंने लोगों के दुख सुख में साथ निभाया और हमने धंधा सेठों को टिकट नहीं दिए। हमारी बहन जो काम करने वाली है कोरोना के समय में लोगों की मदद कर रही थी, जीतू जी लोग कोरोना के समय में लोगों की मदद कर रहे थे और जो भी अन्याय अत्याचार या हक की आवाज कहीं भी कमजोर की होती है वो उठाने का काम करते हैं। मैं आपसे अपील करता हूँ कि पैसे वाले बहुत आएंगे और ईमानदारी का झूठा चोला ओढ़ के बहुत लोग आएंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि 4 तारीख को आप गठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में वोट करके और इनको आगे बढ़ाने का काम करें। जब इनको इनको जो वोट आप देंगे उनसे इनके हाथ मजबूत होंगे, इनको मौका मिलेगा। 72 साल में आपने सब कुछ मान लिया, आपकी समस्याएं आज भी चुकी तू है, अगर अपनी समस्या दूर करनी है तो अपना नेता खड़ा करो और अपना नेता अगर खड़ा करना है तो यही समय है। जो भी समस्या आपको लगती है जिस चीज का दर्द आपके सामने है उस दर्द का जवाब देने का समय है। जब 4 तारीख को आप बटन दबाओगे उस दर्द को याद करके दबाना कि जब यहाँ कोरोना काल में मुख्यमंत्री जी कहते हैं यहाँ के कि भाई जो भी कोरोना वॉरियर्स खत्म हो जाएगा उसको हम 1 करोड़ का मुआवजा देंगे, तो बताओ सफाई कर्मचारियों को जब मुआवजा नहीं देते और वो झूठ बोलते हैं मुख्यमंत्री, उनको क्या अधिकार है झूठी बातें करने का और बाबा साहब की तस्वीरें लगाने का? और केंद्र की सत्ता ने क्या हमें दिया तो आप बेहतर जानते हैं।
एजुकेशन का बजट का भट्टा बिठा दिया है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इन जहां जहां की प्रदेश में सरकारें अत्याचार बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि निगम में लोगों से छुटकारा पाने का अवसर है आपके एमसीडी, एमसीडी की जो सरकार है छोटी सरकार है, उसका रास्ता उसकी समस्या आपके घरों की समस्याओं से जुड़ी हुई है। आप अपनी गली की मोहल्ले की समस्याओं को दूर करना चाहते हैं तो काम करने वाले व्यक्ति को मौका दीजिए। मैं आपसे अपील करता हूं पुणे वार्ड नंबर 192 में जीतू चौहान जी हमारे प्रत्याशी हैं, जिनका चुनाव चिन्ह केतली, और वार्ड 191 में हमारी छोटी बहन नीलम बोध जी प्रत्याशी, जिनका चुनाव चिन्ह टॉड। ये चल रही है, हाँ ऐसे ये टॉर्च आपके जीवन में रोशनी देगी, देखो ऐसे, और दुश्मन पे भी नजर रखेगी, तो आपको ये रोशनी की मशाल जलानी है। 4 तारीख को ये जो देख रहे हैं लाइट ऑफ, ये देखो कितनी ऊंची जा रही है, देखो वहां देश के तिरंगे के पास, देखो वहां, तो ऐसी रोशनी आपको अपने वार्ड 191 में फैलानी, और हमारी बहन के हाथ मजबूत करके हमें भी बल देना, और यहाँ के भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के जो सम्मानित नेता है हमारे हिमांशु जी, महेश पहलवाल जी, सीपी सिंह जी, और हमारे निगम के जो इंचार्ज हैं इस चुनाव के, जैन साहब, उन सबको मजबूत करना है, हमारे के कार्यकर्ता पदाधिकारी को मजबूत करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहर, जय जवान, जय किसान। और एक सम्मानित नेता जो यहाँ बहुत मेहनत कर रहे हैं, विक्की फारसिया जी, उनकी पूरी टीम, फासी जी, तमाम सीनियर लोग जिन्होंने पार्टी के जो साथ खड़े रहे, जिन्होंने पार्टी के निर्णय का स्वागत किया, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। मगर याद रखो मेरी आखिरी बात, लोकतंत्र आपके लिए आया है। यहाँ तो राजशाही पहले तलवारों से तय होती थी, घोड़े हाथियों पर युद्ध होते थे, बंदूकें चलती थी, तोपें चलती थी, लोकतंत्र आया गरीबों के लिए। साहब बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिलाने के बाद ये कहा कि आज मैंने रानी का पेट काट दिया है, राजा आपकी वोट से तय होगा, आपकी वोट, राज भी आपका होना चाहिए, और अपना राज लाने के लिए मेहनत करनी है तब चलेगी। ऐसे जब देख लिया ना, देखो ऐसे सारे दुश्मन ढूंढ लिए जाएंगे चोर से, और दोस्त भी पहचान ले जाएंगे। जय भीम, जय भारत। बीजेपी से उन्होंने बिल्कुल भी कोई काम किया नहीं, मैं देख रही हूँ सड़कें खराब हो रखी हैं, कूड़े के ढेर पड़े हुए हैंगे, और भी पानी की समस्या काफ़ी समस्या है, तो इसी का मुद्दा लेके हम आगे आ रहे हैं जी। असर तो दिखाई दे रहा है, मगर पहले से हम काम, हम सत्ता में नहीं है, अभी हम सत्ता में नहीं है, लेकिन हर काम हम आगे बढ़कर करते हैं। आंदोलन भी किया हमने, और किसी बहन बेटी के साथ गलत होता उसके लिए भी हम आवाज़ उठाते हैं, हर चीज़ के लिए हम आगे हैं, इसलिए हमको वोट करेंगे। और मैं समाज से भी हूँ, जी जा रही हूँ जी। जी मेरी तो किसी से नहीं है, मेरी है आम आदमी से, बाकी बीजेपी तो बस ऐसे ही है, उन्होंने कोई काम ही नहीं किया 15 साल से। एमसीडी में भ्रष्टाचार इतना फैला रखा उन्होंने, तो उनसे मेरी नहीं है, मेरे सिर्फ आम आदमी से हैगी जी। जैसे एमसीडी में मकान बनते हैं, गरीब इंसान है, पैसा जुटाता है मकान बनाने के लिए, एक लेंटर के लिए 20,000 रुपये लिए जाते हैं, बस कंप्लेने आती हैं, हम जाते हैं, वर्क करते हैं, बताते हैं उनको, हटवाने का काम करते हैं। कई तो हमारे विधायक, ये अध्यक्ष जी हैं, कई मसले हमारे पास आए, इन्होंने जाके सॉर्ट आउट कराया वहाँ से। भाइयों को मेरा जय भीम, और हमारी जो यहाँ के ओवैसी पार्टी के जो MIM के अध्यक्ष है भाई, उनसे मेरी कॉन्टेक्ट हुआ था, बात हुआ, तो उन्होंने पूरा भरोसा दिया है कि हम आपके साथ जो है पूरे तन मन धन से लगेंगे, और आपको वोटिंग कराएंगे, और आपको विजय बनाएंगे यहाँ से। जी हम बिल्कुल जोरों शोरों से पूरे इलाके में हमारे दोनों कैंडिडेट मजबूती से लड़ रहे हैं, और मुझे आशा है कि हमारी ये पार्टी जीतेगी, हम भाई चंद्रशेखर आजाद जी को इस विधानसभा की जीत करके देंगे। अपना मुकाबला कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी से, या बीजेपी में किससे समझते हैं? हमारा मुकाबला किसी से नहीं है, हमें पता है कि बाबा साहब ने 1949 में जो संविधान लिखा, जनता को राजा बनाने का अधिकार है, हमने जनता पे छोड़ दिया, जनता ने हमें आश्वस्त किया है कि वो हमें वोट देगी और विजय हमारी होगी।